हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए आइए आइए, हैप्पी बर्थडे गाएं, आइए हैप्पी बर्थडे गाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हे एवरीवन, वेलकम बैक माई नेक्स्ट ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे घर में मेरी भतीजी का बर्थडे। तो सुबह मैंने उसके साथ बहुत खेला, फिर उसके बाद शाम को हम लोग के घर में फंक्शन था, तो हम लोग फटाफट से रेडी हो गए। और यहाँ पे सारी आप देख सकती हैं मेरी नंदे हैं, जो कि फ़ोटो वीडियो सब बहुत सारी मस्तियाँ कर रही थी। तो फिर यहाँ पे अब हम लोग चले गए बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे आप डेकोरेशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और बच्चे का बर्थडे रहता है तो पिंक, और जब लड़कियों का बर्थडे रहता है पिंक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे डेकोरेशन भी हो गया है। तो यहाँ पे अब केक कटिंग का टाइम हो गया है, और यहाँ पे मम्मी पापा दीदी लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने के लिए, और मैं यहाँ पे मेहमानों के साथ थी। और यहाँ पे और बर्थडे में सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश थे कि उनको केक खाने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बच्चे भी सब खेल रहे थे और सारे गेस्ट भी आ गए थे। तो फाइनली यहाँ पे केक कटिंग होने जा रहा है। बस तो यहाँ पे पापा भी केक कटिंग के बाद चले गए गेस्ट के पास, और यहाँ पे हम लोग फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह बनवा रहे थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो मिक्कू का ये फर्स्ट बर्थडे था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी लोगों से, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत रहता है तो बच्चे परेशान हो जाते, तो रोने लग रही थी, किसी के साथ फ़ोटो वीडियोस नहीं बना रही थी। तो फाइनली हम लोग का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो गया। और इस नेक्स्ट डे फिर मैं मिक्कू के साथ खेलने लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू और मिक्कू, ये दोनों रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता टाइम पास कैसे हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और इसे बर्थडे सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मेरे से दो मतलब मेरे से चिपकी हुई थी बर्थडे सॉन्ग सुनने के लिए। नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला था और पूजा भी थी घर पे, तो उसके लिए मुझे मायके जाना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे मायके के लिए निकल गई हूँ, पापा लेने आए थे। और वहाँ पे बहू हूँ तो थोड़ा सा वीडियो हर जगह बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, और अभी नए नहीं हूँ तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो इसलिए जितना मिलता है तो मैं उतना ही वीडियो बना पाती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रास्ते में रुक के थोड़ा सा पानी पिया, फिर उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं घर पहुंचने में। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश की वजह से कितना ज़्यादा अच्छा लोकेशन आ रहा है, और मैं अभी घर पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे ये मतलब बारिश के टाइम इतना उमस हो रहा था कि पूछिए ही मत। फिर यहाँ पे मैं चली गई अपनी मम्मी को खोजने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज के करके मम्मी के पास गया। अब मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है गीला क्योंकि मिट्टी है, तो ऐसा लग रहा है स्लिप ना हो जाऊँ, और ये भी डर लग रहा है कि मेरे से फसल ख़राब ना हो जाए, लेकिन फसल इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं तो उसका ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है मुझे। बस मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ मेन रोड पे। मेन रोड तो फ़िलहाल वहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं। फाइनली मैं एक कोने तो पहुँच ही गई हूँ। घास वास नहीं काटने वाली, मैं घास काटने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बगल वाली चाची मुझे मेरे से मजाक कर रही थी कि आओ घास काटो, और हम लोग अभी जल्दी गांव में रहे नहीं हैं। हम लोगों को जब कुछ शादी वगैरह पड़ता था या फिर जब स्कूल टाइम में गर्मी की छुट्टी लगती थी तब हम लोग गांव में आते थे, तो ज़्यादा गांव में रहे नहीं हैं। लेकिन जितने दिन भी आते थे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते थे, मम्मियों के साथ खेतों में जाते थे, देखते थे वो लोग कैसे काम करती हैं, तो काफ़ी देख के वो लगता था कि मम्मियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और क्योंकि खेत में काम करना आसान नहीं होता है। अपने खेत के पास, सॉरी अपना खेत नहीं ना, अपने खेत के पास घास काटने नहीं, घास लेके जाने के लिए गैया लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं गांव का जो नज़ारा होता है, जो लोकेशन होता है सुंदर होता है। तो मैं आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें। यहाँ पे मेरे भाई लोग साइकिल लेके आए थे तो मैं उन लोगों का साइकिल भी चलाने लगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था बहुत दिन के बाद साइकिल चलाने के बाद। और क्योंकि गांव में रोड खाली रहता है तो साइकिल चलाने में डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे जो भरे रोड रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है।
तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाए और मायके आने के बाद मायके के जो मज़े काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं सच। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। मम्मी लोग भी खेत में काम करके आ रहे थे और गाय के लिए चारा लेके जा रहे थे, तो मैं भी इससे वाले साइकिल में बैठ के, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सिगड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इस पर बैठ के आ गई। और मैंने बस थोड़ा देर बैठा था, मैं पूरा बैठ के घर तक नहीं गई, तो इस पर बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि मैं ज़्यादा भारी तो नहीं लग रही हूँ, मेरे भाई लोगों को सिगड़ी खींचने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं थोड़ा देर के बाद उतर गई। फिर यहाँ पे मेरा बहुत मन कर था भुट्टा खाने का, तो नेक्स्ट डे हम, मैं और पापा गए भुट्टा लेके आए। और यहाँ पे चाची और मम्मी मिलके आग लगा रही थी, जैसे गोबर के झुपले होते हैं उसमें जो भुट्टा होता है उसे भुनने के लिए। और यहाँ पे पापा और मैं छील रहे हैं, और मेरे पापा भुट्टे में कितनी सारी कमी निकाल रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। अब मुझे जो देसी जो भुट्टे होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे स्वीट कॉर्न ज़्यादा पसंद है, लेकिन गाँव में तो स्वीट कॉर्न मिलता नहीं है, भुट्टा ही मिलता है देसी भुट्टा, तो हम लोग इसको ही छील रहे थे। और ये थोड़ा सा दूधहीन टाइप से रहता है तो अच्छा लगता है, और जो एकदम ज़्यादा हार्ड हो जाता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पापा और मैं यहाँ पे बगड़ के भुट्टा छील रहे थे, और छील छील के एक टोकनी में रख रहे थे, और फिर उसको मम्मी को दे दिए ताकि मम्मी हम लोगों को भून के देंगी। और भुट्टा की स्मेल किस किस को पसंद है, मुझे तो फाइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मम्मी और चाची जा रहे हैं भुट्टा भूजने के लिए। गांव में किसी भी मौसम में आओ कुछ ना कुछ खाने मिल जाता है, गर्मी में आओ, अरे घिचार है ना, गर्मी में आओ गन्ना खाने मिल जाता है, ठंडी में आओ मटर चना मिल जाता है, और बरसात में आओ भुट्टा मिल जाता है। गांव के बाद अलग होता है, गांव का कुछ खा के चल जाओगे ना आपको शहर का कम लगने लगेगा, समझे पापा। यहाँ पे भुट्टा जो भुनाता है तो उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और यहाँ पे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने अपना दे दिया था छील के, और मम्मी सबका भून रही थी क्योंकि सबको देना था। यहाँ पे पापा को तो उनका हिस्सा मिल भी गया, और मेरा यहाँ पे भुना रहा था, तो मैं बोल रही थी जल्दी जल्दी भूनिए, बहुत मन कर रहा खाने का। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे काला नमक और नींबू भी ला के रख दिया, उसको लगा के खाने में इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, कभी भी ट्राई करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पापा नमक और नींबू लगा के मुझे भी दिए, और खुद भी खाए, और हम लोगों ने ऐसे भुट्टे का मज़ा लिया। और आप लोगों को गांव में आते हैं तो आप लोगों को गांव का कौन सी चीज़ पसंद होती है ज़रूर बताइएगा, मुझे तो गाँव की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब शहर में जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ें कम अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि गाँव का जो ओरिजिनल प्योर रहता है उसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने और पापा ने मिल के भुट्टे का मज़ा लिया। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।